अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी तादाद में मामले निपटाए गए। वर्षों से पेंडिंग केस सुलझने के बाद परिवादी खुश नजर आए। प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार जलथोरिया ने बताया कि इसके निस्तारण के लिए पूरे जिले में 32 बेंच का गठन किया गया है। इन बेंच में अध्यक्ष के रूप में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के सदस्य के रूप में पैनल अधिवक्ता को शामिल किया गया। वादी और प्रतिवादी एवं अभिभाषकों के सहयोग से प्रकरणों का निपटारा हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार यह लोक अदालत लगाई गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ अलवर के अंदर मुख्यालय के अंदर 11 बेंचें गठित की गई है और मुख्यालय से बाहर पूरे अलवर जिले के अंदर 21 बेंचें अतिरिक्त गठित की गई है। इस प्रकार कुल 32 बेंचें पूरे अलवर जिले के अंदर गठित की गई है, जिसके अंदर 7,500 के लगभग मुकदमे इन बेंचों के अंदर आज सुनवाई हो रही है। इसके अंदर भी रेगुलर जो प्रकृति के मुकदमे हैं जो कोर्ट के अंदर लंबित है वो लगभग 5,500 मुकदमे हैं जो कोर्ट में लंबित है। उन मुकदमों को आज आपसी रजामंदी के आधार के ऊपर निपटाए जाने के प्रयास किए